समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपं कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुद्रार श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8। अहो सनाथा भवता स्मत् यद्वयम् त्रैविष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित् स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् तैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित् स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् दैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित् स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् दैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणानम् शब्दार्थ अहो ओ, ये तो हमारा सौभाग्य है। सनाथः स्वामी के संरक्षण में होना, भवता आपके द्वारा, स्म जैसे हम बन चुके हैं, यत्वयम् जैसे कि हम हैं, त्रैविष्टपानाम् देवताओं को, अपि भी दूरदर्शनम् बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, प्रेमस्मित प्रेम से हंसता हुआ, स्निग्ध स्नेहपूर्ण, निरीक्ष आननम उस प्रकार से दिखने वाला मुख, पश्येमा देखें रूपम सौंदर्य, त
तव आपका सर्व संपूर्ण सौभगम सौभाग्य। अनुवाद और तात्पर्य जयंगली से श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है। जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा जी ना ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदकशायी विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। अतः उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की असली स्थिति है और भक्ति में सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां जागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु नमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महारण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते निस्साय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। द्वारकावासी भगवान कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं और आज के श्लोक में तो एक सुंदर शब्द आया है, स नाथा। एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ, है ना। अनाथ किसको कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं होते, ऑर्फनेज बोलते हैं इंग्लिश में, उसको अनाथालय छोड़ दिया जाता है, उसका देखरेख कोई और करता है। लेकिन जिसके माता पिता है वो सनाथ है। असली माता पिता कौन है? भगवान कृष्ण है, जो उनके संरक्षण में वो सनाथ है। और माता पिता होकर भी वो भक्त नहीं है तो अनाथ ही है। तो मुझे कहते हैं जैसे कुत्ता होता ना, मुंशी पार्टी वाले घूमते हैं, वो देखते हैं कौन से आवारा कुत्ते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं बंधा होता, तो जिसके गले में पट्टा बंधा नहीं होता उसको उठा के लेके जाते हैं, लेकिन जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं इसका मालिक है। लेकिन आजकल दुर्दशा ऐसी हो गई, पट्टे वाले भी घूमते रहते हैं। देखा ना आपका, इसका मतलब क्या है? जो गले में कंठी वाला डाल के बैठा वो भी भक्त नहीं है, चार नियम पालन नहीं कर रहा, वो भी अनाथ की तरह है। बड़ी दुर्दशा है, इसलिए गंभीर होना चाहिए। सच में अगर हमें अपने सच्चे माता पिता के पास जाना है, अगर दोबारा जन्म नहीं लेना है तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर अनाथ बनना है तो फिर बहुत सारे जीवन तैयार हैं, लाइन में लगे हुए हैं, डिसाइड कर लेना चाहिए। ये जिंदगी मजे वाली जिंदगी नहीं है। कभी कभार भक्त सोचता है कि थोड़ा सा भक्ति में रिलैक्स हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तुम थोड़ा सा आराम चाहोगे, माया तुमको जीवन भर का आराम दे देगी। इसलिए ये शब्द जो बोल रहे द्वारकावासी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इतने दिनों से देखा नहीं था भगवान को, अब आया सामने तो को लगा हमारा स्वामी आ गया। रूपा जी बहुत सुंदर अर्थ लिखे हैं सनाथ का। रूपा जी लिखते हैं स्वामी के संरक्षण में होना, जैसे पत्नी भी सनाथ होती है, उसका पति है साथ में, है ना। तो पति को भी स्वामी बोलते हैं ना। पहले के जमाने में पत्नियां स्वामी बोलती थी, अभी नहीं बोलती है, अभी नाम से बुलाती है। तो सनाथ का अर्थ होता है स्वामी के संरक्षण में रहना, और संरक्षण में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे ना, है या नहीं है। ये शिष्य का भी ऐसा, ये शिष्य तभी सनात है जब वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। और शिष्य कब अनाथ हो जाता है? गुरु के भगवत दान जाने से शिष्य अनाथ नहीं होता है। गुरु शिष्य तब अनाथ होता है जब वो गुरु का आज्ञा का पालन करना छोड़ देता है, तब वो अनाथ हो जाता है। ये सूक्ष्म बात है बहुत। जो जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, चाहे गुरु प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी है, तब भी तो वो सनात ही है। गुरु हमेशा उसके साथ है, वाणी के रूप में, आदेश के रूप में, उपदेश के रूप में। लेकिन शिष्य ने जब आज्ञा पालन करना छोड़ दिया, दीक्षा लेकर भी, तब भी वो अनाथ ही कहलाएगा। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं, भगवदगीता का एक श्लोक है, व्यवसायिक मिका बुद्धि एक है पूर्णंदन, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। गुरु का आदेश शिष्य के लिए प्राण है, प्राण। अगर वो आदेश का पालन नहीं कर रहा तो भक्ति के वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। वेंटिलेटर समझते हैं, अब वो जाने ही वाला है बस। जैसे कोरोना के समय सबको वेंटिलेटर पे लेटाया गया था, कब किसका प्राण निकल जाएगा पता नहीं। दीक्षा लेके भी अगर आदेश का पालन नहीं हो रहा तो अनाथ ही है वो। वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए
द्वारकावासी कह रहे अहो सनात, आज हमारा भाग्य खुल गया, आज भगवान उनको दिख रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान निराकार नहीं है, इतने सुंदर मुख का वर्णन किया श्लोक में द्वारकावासियों ने। भगवान का चेहरा कैसे है देखिए, सुंदर शब्द है, प्रेम स्मित स्निग्ध, प्रेम से भरा हुआ चेहरा है भगवान। भगवान को, भगवान कभी भी आप गुस्से में नहीं देखोगे, आप कभी भी, शिव जी गुस्से में आ जाते हैं, काली चंडी गुस्से में आ जाती है, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन कृष्ण को कभी क्रोध नहीं आता। भागवतम खोल के किसी भी अध्याय में पढ़ लो। इंद्र ने क्या प्रयास किया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। आप सोचिए, जो देवताओं का राजा, जिसको सुर कहा जाता है, सुर मतलब भक्त एक तरह से, आपने कभी सुना एक भक्त दूसरे भक्त का जान लेने का प्रयास करे, और वो भी जो भगवान को प्रिय है उनका जान लेने का प्रयास करे, तो भगवान ने क्या किया, क्रोध दिखाया क्या, भगवान ने शांति से गोवर्धन को उठा लिया, उनको जितना बरसाना बरसा और चुपचाप खड़े रहे। ये भगवान का प्रेम है ब्रजवासियों के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं, क्योंकि उनका आश्रय ही कृष्ण है, वो किसी और को जानते ही नहीं। जैसे बच्चे का आश्रय कौन है, उसके माता पिता है, माता पिता की सेवा और कोई जानता ही नहीं, वो कुछ भी किसी दूसरे के पास जाता भी नहीं है, उसको कुछ चाहिए तो माता पिता का याद आता है। ऐसे जब भी ब्रजवासी देखिए, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, इतने लंबे समय से जो प्रथा चली आ रही थी कि इंद्र के लिए यज्ञ करना है, उसके लिए सम्मान जुटाया, सामग्री जुटाई, भोग जुटाया, और एक बच्चा आके बोल दे कि इसको बंद कर दो, इंद्र तो हमारा स्वामी नहीं है, हमारे स्वामी तो गाय है और गिरिराज है। उस बच्चे की बात पर सारे ब्रजवासियों ने विश्वास कर लिया, और ये भी पता था विपदा आएगी तो यही बचाएगा, और हुआ भी ऐसे। आप पढ़िए, बहुत सुंदर वर्णन लिखते हैं हमारे आचार्य भागवतम में, तो सारी लीला का वर्णन नहीं है, संक्षेप में वर्णन है। जब इंद्र को पता चल गया कि मेरा जो यज्ञ है इन्होंने बंद करा दिया, किसको भेजा इंद्र ने, पता आपको किसको भेजा था, संवर्तक मेघ। संवर्तक मेघ तब बुलाए जाते हैं जब प्रलय होती है, पूरी सृष्टि का विनाश होता है, ऐसे बादलों को बुलाया है। पर अब मुझे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि मेघों को जेल में रखा गया, जेल में, ये कभी भी छूट के बाहर आ सकते, इनको हथकड़ी लगाई हुई है इन बादलों को, इनका भरोसा, इनको प्रलय के समय इस्तेमाल किया जाता है। प्रलय समझते हैं ना, पूरी सृष्टि जब जलमग्न होती है, पानी पानी हो जाता है, तब इन मेघों को बुलाया जाता है। और क्या आदेश दिया, इन सबको मार डालो, एक भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। देवताओं को भी क्रोध आता है, इससे ये पता चलता है किसके पास जाओगे, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो तुम्हारा विनाश ही कर देगा वो, तो इसके पास जाओ जो हमेशा हंसता रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रेम स्मित, मतलब भगवान का चेहरा कैसा है, प्रेम से हंसता हुआ चेहरा, प्रेम से हंस रहे हैं। हंसते क्यों, अपने भक्तों को देख के हंसते हैं, आसुरी लोगों को देख के नहीं हंसते, आसुरी लोगों के लिए उनका सुदर्शन चक्र है। प्रभुपाद लिखते हैं सुदर्शन चक्र क्या है, भगवान की दृष्टि है, इसी सुदर्शन चक्र से सूर्य चमकता है, चंद्रमा चमकता है, अग्नि में ताप उष्णता इसी सुदर्शन चक्र से आती है, और इसी सुदर्शन चक्र को भगवान ने सृष्टि के मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है। और वही सुदर्शन चक्र जब इंद्र वर्षा कर रहा था, गर्ग संहिता में लिखा है ऊपर सुदर्शन चक्र सारे जल को चूस रहा था, पी रहा था। आप सोचो कितनी वर्षा हुई होगी, 7 दिन लगातार, 7 रात प्रलय जैसी वर्षा, और प्रलयकालीन वर्षा में जो एक बूंद गिरती है, हाथी के सूंड जितना आकार एक बूंद का होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते अब इन चीजों की। सुदर्शन चक्र सारा पानी चूस रहा था, सारा पानी पी रहा था। अब इंद्र ने देखा भैया इससे तो कुछ काम चल नहीं रहा है मेघों से, तो उसने अपना वज्र चलाया, वज्र जो पहाड़ों के भी टुकड़े कर देता है, गिरिराज पे वज्र छोड़ा,
एक भी टुकड़ा नहीं निकला गिरिराज जी का, क्योंकि बलराम जी अनंत शेष के रूप में बनकर कॉयल बनकर लपेट लिए थे गिरिराज को। गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ना चाहिए, अभी गोवर्धन पूजा आ रही है। तो बलराम जी वज्र से बचा रहे हैं, सुदर्शन पानी से बचा रहा है, और नीचे भगवान लेके खड़े हुए हैं। रक्षण किया नहीं किया, विश्वास होना चाहिए भक्तों, भक्तों का थोड़ा विश्वास नहीं रहता है। अभी माला ले लिया, जप कर रहे हैं, तो कुछ अड़चन आ गई भक्ति में, हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं भगवान ने किया है, भगवान ने नहीं किया, तुम्हारे कर्म ने किया है, ऐसा समझ के हमें विचार करना चाहिए। और जो दुख हुआ ना भक्त के जीवन में, अच्छा है, दुख होने से पाप कट जाता है, निकल जाता है, और सुख सुविधा मिलने से पुण्य नष्ट होता है। ये निल होना चाहिए, निल नहीं होगा तो फिर भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। द्वारकावासी बड़े खुश हैं, भगवान का चेहरा देख रहे हैं, ऐसा चेहरा जो हमेशा हंसता रहता है, भगवान को क्रोध आता ही नहीं है। आपने सुना होगा भगवान की आंखें कैसी हैं, थोड़ी लालिमा रहती है ना, कमल नयन है, कमल में आपने देखा होगा पंखुड़ी में लालिमा रहती है, तो वो क्रोध का लक्षण नहीं है, लालिमा क्रोध का लक्षण नहीं है। कभी कभार आपने देखा होगा प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में, क्रोध जब आंख में आता तो आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध जब जीवा पे आता तो जीभ के होंठ फड़कने लगते हैं, क्रोध जब हाथ और पांव में आता तो मुक्केबाजी लातबाजी शुरू हो जाती है। भगवान के अंदर ये क्रोध आ ही नहीं सकता, उनका सच्चिदानंद शरीर है। देवताओं में आता है क्रोध, क्योंकि देवताओं का शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वो हमारे जैसा ही है, वो भी जीव योनि है, भगवान में क्रोध आ ही नहीं सकता है, इसलिए उनका जो चेहरा है प्रेम से भरा। और देखिए दूसरा शब्द है स्निग्ध, इन शब्दों को ध्यान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। स्निग्ध, स्निग्ध प्रभुपाद जी लिखते स्नेहपूर्ण, जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है हमेशा स्नेह भरी दृष्टि से, ऐसे भगवान अपने भक्तों को देखते हैं स्नेह भरी दृष्टि से, जैसे प्रहलाद महाराज को देखते थे, देखते नहीं देखते थे। आप पढ़िए, इतना जो रक्षण किया प्रहलाद महाराज का भगवान ने किया है, स्नेह की दृष्टि से किया है। प्रहलाद महाराज बच्चे ही थे ना, 5 साल के बालक थे, लेकिन भगवान का कितना प्रेम था। अपने भक्त पे आंच नहीं आनी चाहिए, एक तो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना है, भाई जो वचन लिया था हिरण्यकश्यपु ने उसको सत्य करना है, और प्रहलाद महाराज के वचन को भी सत्य करना है, इस खंभ में भगवान है। भगवान देखो एक ही समय में कितने कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, एक हाथ में झाड़ू भी लेते हैं, एक हाथ में माला भी लेते हैं, दोनों साथ साथ करते हैं, ये ठीक नहीं, वो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। तो दोनों के वचनों को भगवान ने सत्य किया, इसलिए उनको परम सत्य कहा जाता है, ये भगवान का स्नेह है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए भक्त को, आज कृपा नहीं हुई है तो कल कृपा होगी, निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है, आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, आश्रय छोड़ दिया तो हम अनाथ हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे। एक ब्रह्मचारी के लिए भी उसके गुरु सब कुछ होते हैं, हाँ शारीरिक रूप से जब गुरु है तो लगता है हाँ मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन गुरु के जाने के बाद उसको ये विचार करना चाहिए जो उपदेश दिया वही मेरा गुरु है, उसी के साथ मुझे जीना है, तब वो रह पाएगा, तब वो टिक पाएगा। अगर गुरु के आदेशों पर चिंतन नहीं करेगा तो वह फिर अपने को अनाथ कहलाएगा, फिर सोचेगा मेरा कोई नहीं है, अब मैं किसका सहारा लूं। आप दुनिया में देख लो, किसी का भी सहारा लेने जाओगे वो व्यक्ति आपका शोषण ही करेगा, निश्चित शोषण करेगा, क्योंकि वो आपको पूरी तरह आश्रय नहीं दे सकता, उसके अंदर इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, आपका रक्षण भी नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं ना कि ये शरीर किसका है, तो पहले कहते हैं कि जन्म हुआ माता पिता से तो शरीर माता पिता का है ना, जब शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है पढ़ने लिखने के लिए, फिर टीचर जो आदेश देती है, फिर बच्चा सोता है ये शरीर टीचर का है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है नौकरी पे जाता है तो ये सोचता है शरीर मेरे बॉस का है, फिर शादी होता है तो सोचता है शरीर मेरी पत्नी के लिए है, बच्चे होते हैं तो सोचता है शरीर मेरे बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन ये शरीर है किसका, किस किस को दे रहे हो शरीर,
अंत में फिर ये भी बात आती है भाई जलाया जाता है तो शरीर अग्नि का है, अग्नि का भी नहीं है ना, माता पिता का है ना, आपके बॉस का है ना, आपके बच्चों का है ना, आपकी पत्नी का है। शरीर तो भगवान ने दिया है और ये भगवान का दिया हुआ शरीर उनकी सेवा में लगा के हमें मुक्त हो जाना चाहिए। शरीर तो भगवान की प्रॉपर्टी है ना। सनातन गोस्वामी के शरीर में जब फुंसी हो गई, फोड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे तो उसमें से पस निकलता था। पस समझते हैं, पस निकलता था, बड़ी दर्द होती थी। तो अब चैतन्य महाप्रभु देखते तो अलीगंज जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु शरीर को नहीं देखते थे, वो अंदर आत्मा को देखते थे। ये भक्त का दृष्टि होता है, भक्त को इस दृष्टि से देखना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते थे तो उनके शरीर पे वो सारा जब लग जाता था, लेप लग जाता था पस का। तो वो कहते थे आप मुझे आलिंगन क्यों करते हो, मैं तो बहुत अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, ये मेरे कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते ये जो पस का लेप है ना, इस केसर का सुगंध है, एक केसर का, कपूर का, चंदन का सुगंध है, आप सोचिए। बोले तुम अधम नहीं हो, तुम्हें अगर देवता देखेंगे देवता भी पवित्र हो जाएंगे। इसका मतलब देवताओं से श्रेष्ठ कौन होते हैं, पृथ्वी पे रहने वाले शुद्ध भक्त होते हैं। आप समझ लो इस बात को। यहाँ पे लिखा है कि ये जो रूप है भगवान का, द्वारकावासी कह रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता दिखने में जिसको हम देख रहे हैं, है ना। गीता में भी भगवान बोले हैं ये जो रूप कृष्ण अर्जुन तुम देख रहे हो, द्विभुज मुरलीधर रूप, ये देवताओं को मैं नहीं दिखाता हूं। और देवता अगर देख ले तो संदेह में पड़ जाते हैं, ये तो मनुष्य है, भगवान कैसे हो सकता है, वो किसके दो हाथ है, भगवान के तो चार हाथ होते हैं। ये मैं किसी को नहीं दिखाता, मैं केवल अपने भक्तों को दिखाता हूँ, मेरा प्रेम है, ये श्याम सुंदर रूप मेरे भक्तों के लिए है। देवताओं के लिए चतुर्भुज रूप है, नारायण का रूप है, समझना चाहिए। द्वारकावासी बोलते हैं पश्यमेव रूपम तव सर्व सौमलम्, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देख पा रहे हैं, और हमारा भी सौभाग्य हम विग्रह को देख पा रहे हैं। ये तो गुरु की कृपा से भगवान ने एक अर्चा के रूप में अवतार लिया है, अगर ये रूप नहीं होता तो हम भी निराकार मानते। हमारे धर्म में अगर इस रूप को मान्यता नहीं दी जाती, जैसे इस्लाम धर्म में बुद्ध की पूजा करना पाप माना जाता है, वैसे हमारी स्थिति होती। इतना सुंदर धर्म है हमारा, ये तो सिखाया गया कोई ना कोई भगवान है, उसका रूप है, और स्वरूप क्या है वो शास्त्र में वर्णन भी है, और स्वरूप को द्वारकावासी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर रोज आप मंदिर में आकर ध्यान पूर्वक भगवान का विग्रह देखोगे, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करोगे, सही चेतना में भगवान का प्रसाद लोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो विग्रह आपको दिख रहा है विग्रह नहीं रहेगा, भगवान प्रत्यक्ष खड़े हुए दिखेंगे। ये प्रभुपाद जी का वाक्य है एक लेक्चर में, लेकिन इसके लिए भक्ति को, साधना को आपको गंभीरता से लेना होगा। इसलिए द्वारकावासी कहते हैं कि हम आज पुनः आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप नहीं थे द्वारका में, आप हस्तिनापुर में थे तो हम अनाथ थे, लेकिन अब आप द्वारका में आ गए हो, हम आपके संरक्षण में आ गए, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे, हम आपके आश्रम में हैं, तो आज हम सनाथ हो गए। और फिर कहते हैं स्वर्ग के निवासियों के लिए आप दुर्लभ हो, क्योंकि आप कभी कभी जाते हो। ऐसे भी देखा जाए तो स्वर्ग में भगवान जाते ही नहीं है। जब भगवान प्रभा क्षेत्र से जा रहे थे अपने धाम की तरफ लीला समाप्त करके, वहां पे वर्णन है आकाश में सब देवता आ गए भगवान को इनवाइट करने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए। भाई आप सोचिए कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर के मार्ग से जा रहा हो तो आप इन्वाइट करोगे ना, कम से कम 2 मिनट के लिए हमारे घर में आ जाओ, थोड़ा पाँव रख दो, हम आपको कुछ भेंट देंगे, है या नहीं है। लेकिन ये तो भगवान है साक्षात, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, देवताओं को पता चला ये जा रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब आ गए आकाश में, और भगवान तो बोले हमारे घर से होते हुए जाइए, गोलोक का रास्ता यहीं से जाता है। भगवान ने कुछ ध्यान नहीं दिया,
भगवान वहां से अदृश्य हो सीधा गोलोक में चले गए, किसी देवता के घर में नहीं। पढ़िए भागवतम में लिखा है। और अगर यही भक्त कहता प्रेम से तो भगवान का उसके घर में नहीं जाते, निश्चित जाते, पक्का जाते। क्यों? क्योंकि भक्ति महान है। उस भक्त के जो करने का तरीका है भक्ति का, और वो सच्चे दिल से कर रहा है तो महान है। आजकल भक्ति भी रील पे होती है या नहीं? एक होता रील, एक होता रियल। अंतर समझते हैं? REEL रील, REAL रियल। आजकल रील वाली भक्ति चलती है, थोड़ा वीडियो बना दिया मेकअप करके, थोड़ा वीडियो बना दिया वृंदावन घुमाए। ये भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। या कोई महान साधु आ गए, उनके सामने फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बनवा लिया, साधु आ गए तो कुछ नारा लगा दिया, है ना। ये भगवान को आप ये सब करके बेवकूफ नहीं बना सकते। रियल भक्ति होनी चाहिए। रियल भक्ति क्या होता है? कोई भी ना हो, एकांत में भक्त हो वो गाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई भी ना हो वो भगवान की सेवा करेगा। उसको ये पता है, चाहे कोई मेरा स्तुति करे ना करे, मेरे को स्तुति से क्या लेना देना है, अंदर भगवान तो मेरी सेवा देख रहे हैं। इसको कहते हैं रियल भक्ति, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है। क्योंकि सबको दिखाना है, दिखावे का जमाना है ना। पहनते हुए भी दिखाना है, खाते हुए भी दिखाना है, कुछ विषयों पर चर्चा करते हुए दिखाना है। दिखाना नहीं चाहिए, केवल भगवान को देखना चाहिए और उनके संरक्षण में रहकर ठीक से भक्ति करनी चाहिए। उद्देश्य ये है। अच्छा था उस समय द्वारका वासियों के पास कोई कैमरा नहीं था, ये तो फोटो खिंचवाते हैं भगवान के साथ। आजकल लोग आके भगवान के साथ फोटो खिंचवाते हैं ना, उनको मना भी करो तभी सुनते नहीं है। उनको क्या लगता है, ये भी मनुष्य हमारी तरह है, चलो फोटो खिंचवा लिया। अब क्या समझाए ऐसे लोगों को? सिंपल जीवन रहेगा तो आप भक्ति अच्छे से कर पाओगे। जितना ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ाओगे भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति का नाश होता जाएगा। अब द्वारकावासी कहते हैं, आपका जो स्मित मुख है, हास्य युक्त मुख है, उसको देखने का हमारा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच में हमारा सौभाग्य मनुष्य होने में है। अगर हम भगवान को छोड़ के सबको देखेंगे हमारा दुर्भाग्य है, और सब चीजों को छोड़ के अगर भगवान को देखेंगे तो हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन उल्टा होता है ना इस भौतिक जगत में, भगवान को छोड़ के हम सब कुछ देखते हैं और ध्यान पूर्वक देखते हैं। जिसको देखना चाहिए, जिस पे अपना मन लगाना चाहिए, उसको छोड़ के संसार को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये सौभाग्य नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य एक तो मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन बताते हैं शास्त्र में, इसकी तुलना जैम से की गई है, जैम चिंतामणि से की गई है। अगर ये मिलकर आपने इसमें भक्ति नहीं किया, भगवान का सेवा नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने आपको मिला है, जैम मिला, चलते चलते बहुत कीमती हीरा मिला और आपने नदी में फेंक दिया। इसका मतलब ये है, आपने फेंक दिया, आप ढूंढोगे कैसे? ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। एक बार शरीर चला गया तो दोबारा कोई गारंटी नहीं शरीर में आओगे या नहीं आओगे। इसे जितना समय हमारे पास रहता है उतना समय हमें अच्छे से ये श्लोक पढ़ने चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन करता है। नित्य, नित्य मतलब वो रूप शाश्वत है। ऐसा नहीं कि रूप आज है और कल नहीं रहेगा, नहीं, वो शाश्वत है। उस रूप का शुद्ध भक्त नित्य दर्शन करता है। और भगवान का जो सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व है वो भक्ति में सेवा के द्वारा देखा जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति में खाली भक्ति नहीं लिखे प्रभुपाद जी, साथ में सेवा को भी जोड़े हैं। सेवा करनी चाहिए। सेवा करते हैं ना हम अपनी इंद्रियों से, भक्ति में सेवा से ही भगवान के परिपूर्ण रूप। कौन सा परिपूर्ण रूप? कृष्ण श्याम सुंदर, ये परिपूर्ण रूप है। इसलिए अर्जुन क्या बोले गीता में, आपने विश्व रूप दिखाया, मैं डर गया, आप इसको हटा दो। और बोले ठीक है, हटा दिया। तो चतुर्भुज रूप दिखाया, बोले इसको देखने में मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे वही दो भुजाओं वाला रूप दिखा, वो परिपूर्ण रूप है।
तो उस रूप को हम भक्ति में सेवा के द्वारा ही देख सकते हैं। इसलिए भक्त अपना पूरा शरीर लगाता है सेवा में, इसलिए सेवा जिसको मिलती है वो भी बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। जिसको सेवा नहीं मिल रही, उसके ऊपर कृपा नहीं हुई है अभी तक, सेवा जब आती तुरंत ले लेनी चाहिए। भगवान ने परंपरा के द्वारा आचार्यों के माध्यम से वो सेवा दे दी हमको, अब हमें करना है, ये कृपा हमें प्राप्त करनी है। जैसे प्रभुपाद जी भी जीवन भर सेवा की है, खाली लिखे नहीं है कि भक्ति, उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया है, वो भी जन्म से लेके अंतिम श्वास तक प्रभुपाद जी वो सेवा किए हैं। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रभुपाद जी उदाहरण लिख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, तो सारे देवता किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी देखो बुद्धि का शरीर है, पर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जो भगवान ही कर सकते हैं। अब भगवान कहाँ रहते हैं? कृष्ण की बात नहीं हो रही, कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे विष्णु की बात हो रही है। क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीरोदक है विष्णु, मतलब दूध का सागर है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पे खड़े हो जाते हैं, अंदर नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है उनको अंदर जाना और वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। भगवान दिखते तब भी नहीं है, भगवान आदेश देते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में, क्योंकि तो ब्रह्मा जी शिरोदक उन्हीं विष्णु से जन्म लिए ना। अब वाणी सुनाई देगी तब ब्रह्मा जी बताते हैं, अब ये प्रॉब्लम ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा, देवता लोग चिंता मत करो, अपने अपने निवास स्थान पे चले जाओ। अब विष्णु नहीं दिख रहे हैं तो कृष्ण कहां से दिखेंगे, सोचो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विष्णु नहीं दिख रहे हैं, उनका एक घर है श्वेत द्वीप या क्षीर सागर, इसी ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड के अंदर होते भी देवता लोग वहां पे नहीं जा सकते, तो जो गोलोक है वैकुंठ से गोलोक की दूरी 50,000 योजन है, 50,000 योजन, एक योजन 12 किलोमीटर होता है, 50,000 योजन वैकुंठ और गोलोक का डिफरेंस है। आप गोलोक तक कहां से जाओगे, वो पहुंच देवताओं के लिए क्षीर सागर तक तो गोलोक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वही भगवान कृष्ण का रूप लेकर द्वारका में लीला करते हैं, वृंदावन में करते हैं, मथुरा में करते हैं, और भक्त को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाए, हम शास्त्र को लीला पढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है, सुनना मतलब देखना, सुनकर हमें देखना चाहिए। इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा जी ना ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते, पुत्र है, देखो पुत्र को भी अलाउड नहीं है वहां पे जाना। तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, और ये बहुत बार हुआ है, जब भी पृथ्वी पर भार हुआ है उस भार को हटाने के लिए पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास में जाती, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। कृष्ण के जन्म से पहले ऐसा हुआ था ना, भागवतम के दशम स्कंद में कृष्ण की लीला यहीं से प्रारंभ होती है। तो यदा कदा भगवान का दर्शन उन देवताओं को नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित है। ये कारण है कि द्वारकावासी देख पाते हैं भगवान को। द्वारका वासियों के अंदर ना कोई सकाम कर्म करने की इच्छा है, ना ही ज्ञान मार्ग है। मन के आधार पर सोचना भगवान ऐसे हैं वैसे, मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं इसको। तो कर्म करके फल भोगने की इच्छा द्वारका वासियों में नहीं है। दार्शनिक चिंतन फिलोसफी तरह से, फिलोसफर होते हैं दार्शनिक चिंतन करते हैं, उस तरह से भी उनके मन में वो भावना नहीं है। तो उनकी तो केवल शुद्ध दृष्टि है, भगवान के भक्त हैं, इस कारण से वो कृष्ण को देख पाते हैं। कारण यही है क्योंकि हम सकाम कर्म की इच्छा लेके बैठे हैं,
दार्शनिक चिंतन का भाव लेके बैठे हैं, इन माध्यम से भगवान को नहीं देखा जा सकता। अब आप सोचिए, द्वारकावासी भगवान का दर्शन कर पा रहे, तो वृंदावन के जितने भी भक्त हैं वो कितने श्रेष्ठ होंगे। वो तो भगवान को इतने प्रिय है कि भगवान दूर रहकर भी उनका चिंतन करते हैं, उनको पुकारते हैं। तो ये भक्ति में सेवा है। उस भक्ति में सेवा में कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई दार्शनिक चिंतन का भाव नहीं होना चाहिए, तब वो सेवा भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान अपनी इच्छा से उस भक्त को दर्शन देते हैं। तो प्रभुपाद जी अंतिम में लिखते हैं, यही जीवों की असली स्थिति है। क्या असली स्थिति है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, दास के रूप में उसको सेवा करना चाहिए। इस स्थिति को पहचान कर जो वो जीवात्मा जो भगवान का अंश है, जब भगवान की सेवा करता है तो सेवा के द्वारा वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है और आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके वह भगवत धाम वापस चला जाता है। सिंपल, प्रभुपाद जी का जो फिलॉसफी है बिल्कुल सिंपल है, और जो कृष्ण ने कहा है वही परंपरा में सभी आचार्यों ने कहा है और उसी सिद्धांत को प्रभुपाद जी ने भी कहा है। भगवान तो भक्ति में सेवा से ही प्राप्त होंगे। कौन सी भक्ति में सेवा? शुद्ध भक्ति में सेवा। इसलिए रूप गोस्वामी क्या परिभाषा दी है शुद्ध भक्ति की? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, कर्म ज्ञान से रहित होनी चाहिए। अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, वो भक्ति कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति कृष्ण को प्रिय होती है और ऐसी भक्ति द्वारकावासी की है, इसलिए भगवान को देख पा रहे हैं। तो हम भी प्रार्थना करना चाहिए हमें भी एक दिन भगवान दिखे, इसी जन्म में दिखे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। हाँ, क्रोध क्या होता है? वो संसारी जीव जैसा क्रोध नहीं होता। आप टीका पढ़िए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फूल फेंकती है ना, वैसे ही विश्व पितामह तीर छोड़ रहे थे। उनको भगवान को वीर रस लेना है, लड़ना है। वीर रस हंस के तो नहीं होगा, भगवान लड़ेंगे तो हंस के थोड़े ना लड़ेंगे, थोड़ा क्रोध दिखना चाहिए। लेकिन वो क्रोध ये तीन गुणों से बंधा हुआ क्रोध नहीं होता, जैसे हम क्रोध करते हैं। अर्जुन ने देखा अभी बड़े क्रोधित है, विश्व पितामह को मार देंगे, अब मुझे पकड़ना चाहिए, नहीं नहीं मेरे पितामह पे बाण मत चलाओ। अब ये भाव नहीं आएगा तो वीर रस का आस्वादन भगवान नहीं कर पाएंगे। जो 12 प्रकार के रस है, जिसमें 5 श्रेष्ठ है, 7 प्रकार के गौण रस है, उसमें एक वीर रस है 7 प्रकार में। तो उस रस का आस्वादन देने के लिए भगवान थोड़ा एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग समझते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती है, एक ही कलाकार है, अलग अलग मेकअप करके अलग अलग रूप ले रहा है, वही भगवान ऐसा करते हैं। एक ही शुद्ध रूप है, उसमें अलग अलग करेक्टर निभाते हैं। हमें दिखता है नहीं, वहां पे लिखा है क्रोध कर रहे हैं, क्रोध नहीं है वो, एक तरह से भगवान उनपे कृपा कर रहे हैं। अभी भी देखिए, जब तीरों की शैया पे थे, भगवान वहां पे पहुंचे, अपनी दृष्टि डाली तो लिख बोलते हैं भीष्म पितामह, मेरे शरीर का सारा वेदना चला गया, मेरे को जो दुख मिल रहा था वो भी चला गया, अब मैं खुश हूं, यही समय है मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। भीष्म पितामह तो जानते हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ ये वही है, आदि नारायण है। तो भगवान ने रोल दिया उनको, नेगेटिव विलन का रोल दिया, तो पिक्चर पूरी नहीं होती ना बिना विलन के। अब खाली आपको हीरो ही दिखे, हीरोइन दिखे, विलन नहीं दिखे, तो पिक्चर में सभी भाव नहीं आएंगे। तो भगवान ने उनको वैसा करेक्टर दिया था, उन्होंने वैसा दिया, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो भाई दृष्टि से दिखता थोड़ा क्रोध था, लेकिन क्रोध संसारी मनुष्य जैसा नहीं था, वो दिव्य है। भगवान का जो क्रोध होता है वो भी दिव्य होता है। अब यशोदा माता थी, अब संग मन करा रही है, छोड़ दिया, वहां वो क्रोध आया, मटकी फोड़ दी, वो भी क्रोध है। लेकिन हमारे साथ क्रोध तो खून कर देते किसी का, हम तो मर्डर कर देते क्रोध में आके, है ना।
इसी क्रोध के कारण तो हम इस संसार में बैठे हैं, जो कैदी लोग हैं जेल में बैठे हैं। अब क्रोध जब नीचे उतरता तब होश आता है, मैंने क्या कर दिया। अंतर समझ रहे हैं, अंतर से अब क्रोध आता है असुरों को मारने के लिए, लेकिन जब मारते हैं तो उनको अपना धाम भी तो देते हैं। ये अंतर है, हमें जेल मिलता है, हमें सजा मिलती है। उन भगवान को सजा नहीं मिलती, भगवान उनको मृत्यु दंड देकर उनको अपने धाम में भेज देते हैं। ये अंतर है। तो वो दिव्य क्रोध है, वो भौतिक क्रोध नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, हमें क्रोध हो, हमें अपना क्रोध का उपयोग कहाँ करना चाहिए, जो भक्त का निंदा कर रहा है जो भगवान उस पर करना चाहिए, वो दिव्य क्रोध है। फिर हमारा भी क्रोध बदल कर दिव्य क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है भाई, आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।